और अपना अमूल्य समय दें। आइए प्रेम से भगवान का ध्यान करेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। वृणानामृत संघाना रसानां छंदसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में अकारण करना करने वाले राज राजेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम, योग उनकी वाग्य में प्रतिमूर्ति श्री रामचरित मानस को प्रणाम। भोलेनाथ शिव शंकर योग माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात श्री राम कथा के ऋषि उत्तर श्रोता अनंत बलवंत भाई पुत्र अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी लाल के चरणों में प्रणाम। और जितने श्रोता बंधु पधारे भी हैं आप सबको प्रणाम। सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो जीव पानी। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु प्राणी जितने भी लोग उपस्थित हैं इस धरती पे, धरती के हर प्राणी हर जीवों को राम में समझ के सबके चरणों में प्रणाम। यो मंच पर जितने कलाकार गण उपस्थित हैं उनको भी मैं सादर नमन करती हूँ। और आप सबका इस राम कथा के पांडाल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले नित्य दिन की तरह आज भी प्रथम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर अमृतमय कल्याण करने वाली राम कथा को श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए अपने मन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा श्रवण करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार। जय जय राम कथा, राम कथा, जय जय राम कथा। सुंदर सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कल काम गाई सुंदर जीवन मोर सुहाई, राम कथा कल काम गाई सुंदर सजीवन मोर सुहाई, राम कथा कल काम गाई सुंदर राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सभी भंजन, राम कथा कल कल सभी भंजन,
कथा कलि कल सभी भंजन बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलि कल सभी भंजन तेरा परमार्थ बन जाए तेरा परमार्थ बन जाए तेरा परमार्थ बन जाए चकोर करही जही पाना राम कथा सत किरण समाना सत चकोर करही सुन कर तू भी अमर हो जाए सुन कर तू अमर हो जाए सुन कर तू भी अमर हो जाए सुन कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा चंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की। वैसे हमें तो नहीं लग रहा कि रोज का जो समय था उससे जल्दी है, लेकिन फिर भी बोले हनुमान जी महाराज की। आइए, जितने लोग के भाग्य में है पूरी कथा श्रवण करना, वो लोग पूरी कथा श्रवण करेंगे। और देखिए, कोई पता नहीं होता है कि व्यास पीठ से कब कितनी कीमती बातें सुनने को मिल जाएंगी। कोई पता नहीं होता, हमको खुद नहीं पता होता है कि किस समय कीमती शब्द निकलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी कीमती शब्द निकलते हैं जो जीवन में धारण हो जाता है और फिर जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं, तो इसीलिए कोई भी समय यहाँ पे कथा हो रही है तो तुरंत पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब कीमती शब्द निकलेंगे। अब जिनके भाग्य में पूरी कथा श्रवण करेंगे, जिनके भाग्य में नहीं है वो पूरी कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे, और कुछ बीच में उन लोगों का छूट जाएगा, फिर वही नहीं समझ में आएगा। आइए कथा श्रवण करते हैं और संक्षिप्त में ही कथा करेंगे।
क्योंकि आज राम जी का विवाह है, तो फिर संक्षिप्त में जल्दी जल्दी करके राम जी के विवाह तक पहुंचाना है। तो दोपहर की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था राम जी की बाल लीलाएं, राम जी का नामकरण संस्कार हुआ, फिर आगे चल के धीरे धीरे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब बड़े हो रहे हैं, चूड़ाकर्म संस्कार हुआ और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो फिर वो विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के यहाँ गए। गुरु गृह गए तुरंत रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाए। गुरु के गृह राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब गए हैं और वहां पे थोड़े ही समय में वो सारी विद्या को पढ़ लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे गोस्वामी जी ने लिखा है कि जाके स्वास सहज श्रुतिचारी, ये राम जी के लिए लिखा गया है। जब राम जी पढ़ने जाते हैं गुरु के यहाँ, तो फिर उनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जाके स्वास सहज श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। मतलब क्या होता है कि राम जी तो ब्रह्म है, राम जी तो भगवान है, जिनके मुख से वेद उत्पन्न हुए हैं, वेदों के जन्मदाता है राम, लेकिन फिर भी वो पढ़ने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो राम जी ना जानते हों, कोई ऐसी विद्या, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो राम जी नहीं जानते हों, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। जाके स्वास सहज श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वास में सारे वेद हैं, जिनसे सारे वेद उत्पन्न हुए हैं, वो हरि पढ़ने जाए गुरु के यहाँ, ये बहुत बड़ा कौतुक लगता है। राम जी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने जाते हैं। तो पढ़ने इसलिए जाते हैं क्योंकि दुनिया को संदेश देना है कि ऐ इंसान, तेरा दिमाग कितना भी तेज हो, तो कितना भी बड़ा, कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन जीवन में गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है। कुछ भी हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन फिर भी जीवन में गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के जीवन सफल नहीं होता है, बिना गुरु के जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कोई भी हो, अगर जीवन में गुरु ना बनाए, वो शिक्षा गुरु ना बनाए, दीक्षा गुरु ना बनाए, तो फिर जीवन सफल नहीं होता है। गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है और यही संदेश देने के लिए राम जी पढ़ने जाते हैं, नहीं तो उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है और आज भी सब गुरु बनाते हैं, आज भी सारे लोग गुरु बनाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, गुरु भी बनाते हैं, सब कुछ है, लेकिन पहले जो बात थी वो आज नहीं है। पहले के गुरु कैसे होते थे, आज के गुरु कैसे हैं, पहले के शिष्य कैसे होते थे, आज के शिष्य कैसे होते हैं, तब भी गुरु शिष्य थे और आज भी गुरु शिष्य हैं, लेकिन बदलाव है, समय बदल गया, जमाना बदल गया, आज पहले से बहुत कुछ अलग है। पहले क्या होते थे, दरवाजे पे दो आदमियों को रखा जाता था कि जानवर अंदर ना घुसे, रखा जाता था कि नहीं। बड़े बड़े लोग अपने दरवाजे पे आदमियों को रखते थे कि यहाँ रहो और देखो कोई जानवर अंदर ना घुसे, कोई कुत्ता ना घुस जाए, कोई जानवर ना घुस जाए। लेकिन आज बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाके देखिए तो उनके यहाँ दरवाजे पे कुत्ते रखे जाते हैं कि कोई आदमी ना घुस जाए। पहले आदमी रखे जाते थे कुत्ते ना घुस जाए, आज कुत्ते रखे जाते कि आदमी ना घुस जाए। इतना बदलाव आ गया है जमाने में। पहले भी गुरु शिष्य थे, आज भी गुरु शिष्य हैं, लेकिन पहले के गुरु शिष्य कैसे होते थे, आज के कैसे हैं। पहले के गुरु शिष्य कितने कैसे होते थे, वशिष्ठ जी, राम जी, कैसे गुरु शिष्य का रिश्ता था, लेकिन आज कैसा है। स्कूल में पढ़ने गए, वहां पे टीचर ने अगर मार दिया, दो डंडा मार दिया, तो फिर कहते हैं हम फीस दे के पढ़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना के पढ़ रहे हैं। कैसे हमको मारा टीचर ने, मतलब हम फीस दे के पढ़ रहे हैं, ऐसे फ्री में नहीं पढ़ रहे आके, हम फीस देते तब आके इस बेंच पे बैठते हैं, तो थोड़ा डंडा कम चलाया कर।
आज ऐसे गुरु शिष्य हैं। और पहले कैसे होते थे कि जो शिष्य होते पढ़ने जाते थे तो घर पूरा छोड़ के चले जाते, घर छोड़ के जाते थे, फिर वो घर नहीं आ सकते जब तक विद्यार्जन पूरा ना कर ले, घर नहीं आते थे और जाके गुरु की पूरी सेवा करते थे। शिष्य गुरु की पूरी सेवा करते थे, पूरी सेवा भी करते थे, पढ़ते भी थे और भीख मांग के लेके आते थे, दान मांग के लेके आते थे, फिर बना के फिर खाते थे। ऐसा नहीं मिलता था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये राजकुमार थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, ध्यान दीजिएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, लेकिन वो भी तपस्वी के बेस के जैसा। जब वहां भी गए तो वो भी शिष्य के मर्यादा में बंध गए, शिष्य का जो नियम था वही कर रहे थे राम जी। ये नहीं कि मैं राजकुमार हूं तो राजकुमार की तरह आऊंगा, मेरी सेवा लोग करेंगे फिर मैं पढ़ूंगा। वो भी जैसे हर शिष्य रहते थे, जैसे गरीब आके, गरीब घर के जो लड़का था, गरीब घर का जो लड़का था वो जैसे आके रहता था, वैसे ही ये राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, लेकिन वैसे ही रहते थे जैसे गरीब घर का लड़का आके रहता था, पढ़ता था, वैसे राम जी भी आके रहते थे। ये पहले के शिष्य हैं। और आजकल के शिष्य कैसे हैं, डंडा नहीं मार सकते, फीस दे के पढ़ते हैं, फ्री में नहीं पढ़ते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं ये सुनी हूँ बस कह दी, मैंने सामने देखा है ऐसा। तो आजकल ऐसा रिश्ता हो गया गुरु शिष्य का, ना गुरु उस तरह रह गए, ये भी बात है, ना पहले के जैसे शिष्य रह गए हैं, दोनों में बदलाव आया। सिर्फ ये नहीं कि शिष्य में बदलाव आ गया, गुरु में बदलाव नहीं आया, गुरु में भी बदलाव आया है और शिष्य में भी बदलाव आया है। आजकल के लोग कैसे हैं, गुरु तो बना लेंगे लोग, लेकिन कैसे वर्ताव करेंगे गुरु के साथ में। एक बार एक गुरु जी थे, एक व्यक्ति ने उनसे मंत्र लिया, शिष्य बन गए, फिर बढ़िया से चल रहा है, जो भी चलना नियम चल रहा है बढ़िया से। एक दिन शिष्य गुरु के पास गया, बोला गुरु जी एक काम करिए, अपना फोटो दे दीजिए। गुरु जी ने सोचा बाप रे, इतना स्नेह है इसका, इतना मानता है, इतना स्नेह है इसका कि फोटो मांग रहा, शायद पूजा करेगा मेरी। गुरु जी ये सोच रहे हैं कि ये मेरी पूजा करेगा, फोटो मांग रहा है, ये फोटो मांग रहा है इसका मतलब पूजा ही करेगा मेरा। बड़े खुश हो रहे, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि ये एक बार अपने मुंह से कह दे कि हाँ महाराज आपकी पूजा करूंगा तो मुझे और खुशी होगी, थोड़ी और खुश हो जाऊंगा मैं। तो ये सोच रहे हैं कि ये मेरी पूजा करेगा फोटो ले जाके, लेकिन फिर भी पूछते हैं, कहते अच्छा बताओ फोटो हुआ क्या करोगे जाके। तो शिष्य ने कहा महाराज बात और कुछ नहीं है, बात यह है कि मैं दुकान चलाता हूँ तो उसमें कभी 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 झूठ बोलना पड़ता है। अब झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा दुकान में, तो झूठ बोलना पड़ता है। तो जो ग्राहक होते हो कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो, तो आपका फोटो रहेगा तो फोटो देख कर आप आपका कसम खा लिया करेंगे कि गुरु जी का कसम खा रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं। कभी सही झूठ बात पे तो कसम खाना पड़ता है, तो फिर आपका फोटो रहेगा तो फिर कसम खा लेंगे, ग्राहक मान जाएंगे, इसीलिए आप अपना फोटो दे दीजिए। आजकल ऐसा ही चल रहा है, शिष्य ऐसे हैं और गुरु कैसे हैं, शिष्य तो ऐसे हैं कि कसम खाना है, अब झूठे झूठे कसम खाना है। और शिष्य कैसे हैं, दोनों में बदलाव आया है। शिष्य कैसे हैं, एक बार एक गुरु जी थे, तो पहले ऐसा होता था कि शिष्य जो होते थे वो गुरु जी का पैर दबाते थे, पैर दबाते थे, जब गुरु जी सो जाते थे तब शिष्य सोते थे। अभी भी कहीं कहीं होता है ऐसा। तो अब के गुरु जी कैसे हैं, एक बार एक शिष्य पैर दबाने लगा, पैर दबाते दबाते 12 बज गया, तो उसने सोचा शायद अब गुरु जी सो गए होंगे, अब मैं भी चल के सो जाता हूँ। उठने लगा तो गुरु जी ने कहा कि अरे राजकुमार कहाँ जा रहे हो। तो शिष्य ने सोचा अभी तो ये जग रहे हैं, बोला नहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, अभी रहेंगे। फिर दबाने लगा पैर, अब दबाते दबाते 2 बज गया, और जब 2 बज गया तो फिर उठ के जाने लगा। वो शिष्य सोचा कि शायद आप सो गए होंगे। उठने लगा तो गुरु जी ने कहा कि अरे राजकुमार कितने भाई हो, मतलब ये चना रहे कि हाँ हम जग रहे अभी, अभी पैर दबाओ। शिष्य ने कहा कि महाराज हम 4 भाई हैं। सोचा अभी तो ये जग रहे हैं, अभी अभी पैर दबाना पड़ेगा। पैर दबाने लगा फिर, अब दबाते दबाते 4 बज गया। सोचा कि अब चला जाऊँ, अब सो जाऊँ, कम से कम 1 घंटा तो सो जाऊँगा। फिर जाने लगा तो फिर गुरुजी ने कहा अरे राजकुमार कितने भाई हो, बोला महाराज 4 भाई हैं।
सोचा अभी भी ये जग रहे हैं, अभी भी दबाना पड़ेगा। अब फिर दबाता, दबाते दबाते चार पांच बज गया। पांच बजा तो फिर सोचा कि लाओ 10 मिनट जाके थोड़ा सा लेट लूंगा, 10 मिनट। अब उठने लगा, फिर गुरुजी ने कहा, अरे राजकुमार कितने भाई हो? उसने कहा महाराज 3 भाई हैं। तो गुरुजी उठ गए, बोले अभी तक 4 बोल रहे थे, अब 3 कैसे हो गए? शिष्य ने कहा कि महाराज हम 4 भाई तो थे, लेकिन जब हमारी यही हालत रहेगी तो फिर 3 ही तो बचेंगे। जब हमारी यही हालत रहेगी तो फिर हम तो चल बसे भगवान के यहाँ, हमारी क्या गारंटी है? जब इतना हम पैर दबाएंगे तो फिर हमारी गारंटी खत्म, हमारी गारंटी खत्म, फिर 3 ही बचेंगे। तो आजकल ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु हैं, ऐसे शिष्य हैं। तो गुरु तो ऐसे हैं, लेकिन शिष्य को अच्छा बनना चाहिए। गुरु कैसे भी हो, कितना भी कैसे भी हो गुरु, लेकिन फिर भी शिष्य को गुरु में भक्ति होनी चाहिए। शिष्य का गुरु कैसे भी हो, लेकिन शिष्य का जो कर्तव्य हो वो करना चाहिए। कैसे भी हो गुरु, शिष्य का जो कर्तव्य वो करना ही चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, अगर आप अच्छे से करोगे, जैसे अपने माता पिता को अच्छे से आप मानेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे, जो माता पिता के प्रति जो भी पुत्र का कर्तव्य है अगर पुत्र करेगा तो करेगा माता पिता की सेवा, लेकिन माता पिता के माध्यम से वो भगवान तक पहुँचता है। हम मानव की सेवा करेंगे लेकिन मानव के माध्यम से भगवान प्रसन्न होते हैं, मानव के माध्यम से। वैसे ही गुरु कितना भी बेकार क्यों ना हो, फिर भी शिष्य अपना कर्तव्य करे, अपना कर्तव्य उसे करना चाहिए, अपना कर्तव्य करेगा तो फिर गुरु के माध्यम से भगवान खुश होंगे। हम मानव को माने, हम इंसान को माने, लेकिन इंसान के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है। क्योंकि हमने एक दिन कहा था कि हर इंसान में भगवान का वास होता है। तो इंसान कितना भी बुरा रहे, अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे तो फिर भगवान खुश होंगे। भले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गुरु कैसे भी हो फिर भी अपना कर्तव्य शिष्य को करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। और दुनिया में कोई भी हो वो सोचे कि बिना गुरु के हमारा कल्याण हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता किसी का भी। और राम जी दुनिया को संदेश देने के लिए गुरु के यहाँ पढ़ने गए, नहीं तो राम जी को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। वो गए और अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े ही दिनों में उन्होंने सारी विद्या पा ली। और सारी विद्या पा के फिर वहां से वापस आते हैं, वहां से आते हैं बड़े दिन के बाद। वहां से आए तो अयोध्या के जितने भी नर नारी हैं सब देख के बड़े खुश होते हैं। राम लक्ष्मण की जोड़ी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी है और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है। अच्छा यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि राम जी हैं फिर भरत जी हैं। देखिए इधर के लोग ध्यान देंगे थोड़ा, बोले रामचंद्र भगवान की। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आ सकता, फिर बगल के गांव के लोग पूछेंगे तो कहेंगे बढ़िया था पर याद नहीं है, ऐसा ही होगा। इधर के लोग तो शायद बता देंगे पर इधर के लोग कुछ नहीं। बोले हनुमान जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो सारे लोग चारों भाई जो हैं वो विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं। तो जोड़ी कैसी है? राम लक्ष्मण की जोड़ी है और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है। लेकिन यहाँ होना ये चाहिए, सबसे बड़े राम हैं, फिर कौन है? राम के बाद कौन है और भरत के बाद कौन है, लक्ष्मण के बाद कौन है? कम से कम इसी बहाने कथा की तरफ केंद्रित हो मन। राम जी के बाद भरत जी हैं, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी हैं। तो राम और भरत जी को साथ रहना चाहिए था। राम जी के बाद जब भरत जी हैं तो राम जी और भरत जी को एक साथ रहना चाहिए था और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को एक साथ रहना चाहिए था। लेकिन फिर भी राम भरत साथ नहीं रहे, राम और लक्ष्मण जी साथ रहे फिर भरत और शत्रुघ्न जी साथ रहे, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? अब राम के बाद भरत जी है तो राम भरत को एक साथ रहना चाहिए था, लक्ष्मण शत्रुघ्न को एक साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? एक संत का मत है ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राम जी सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और भरत जी भी सीधे साधे भोले भाले हैं, और लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी हैं, और शत्रुघ्न जी भी क्रोधी हैं।
तो राम और लक्ष्मण को साथ इसलिए रखा गया कि दुनिया में अगर एक घर में दो भाई हो और दोनों ठंडे मिजाज के हों, सीधे साधे हों, तो गांव वाले उनको जीने नहीं देंगे, उनकी सारी जमीन हड़प लेंगे। अरे तो सीधे साधे कुछ बोलते नहीं, चलो इनका हड़प लो। अगर एक घर में दो भाई हों और दोनों सीधे साधे ठंडे स्वभाव के हों, बड़े संतोषी हों, तो फिर उनको दुनिया जीने नहीं देगी। इसीलिए जरूरी है कि दो भाई हों तो एक क्रोधी हो और एक सीधा साधा हो, जिससे अगर जो क्रोधी है वो कहीं लड़ाई कर ले जाके तो जो सीधा साधा वो जाके बचा ले, और फिर ये जब कहीं जाए लोग परेशान करे तो फिर क्रोधी जो है वो जाके बचा ले। अगर दोनों भाई क्रोधी रहेंगे तो फिर रोज गोली चलेगी, अगर दोनों सीधे रहेंगे तो जमीन हड़प ली जाएगी। इसीलिए अच्छा ये है कि एक गर्म एक ठंडा, दो भाई हो तो एक गर्म एक ठंडा, दोनों होना चाहिए। और यहाँ पे अगर राम जी और भरत जी को एक साथ रखा गया होता तो राम जी भी सीधे साधे, भरत जी भी सीधे साधे, तो राम जी सीधे साधे, लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधी, इसलिए इन दोनों को साथ रख दिया। और भरत जी सीधे साधे, शत्रुघ्न जी थोड़े क्रोधी, इसलिए भरत और शत्रुघ्न जी को एक साथ रख दिया गया। अब राम लक्ष्मण की जोड़ी है, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी है, और जब ये दोनों लोग चलते हैं तो अयोध्या के जितने भी नर नारी है बड़े खुश होते हैं देख देख के। जब ये लोग चलते हैं चारों लोग, तो फिर सब अपना काम छोड़ के दर्शन करने लगते हैं, देखने लगते हैं। समय बीतता जा रहा है धीरे धीरे, एक दिन बीतता जा रहा है, तो क्या होता है, विश्वामित्र नाम के एक संत हैं, और विश्वामित्र जी देखिए राजा गाधी के पुत्र थे, वो संत नहीं, वो राजा गाधी के पुत्र थे, वो राजकुमार थे विश्वामित्र जी। तो फिर वो संत कैसे बन गए? संत इसलिए बने क्योंकि एक बार उनके मन में आया कि मैं भगवान को मुझे प्राप्त करना है। जब ये बात उनके मन में आई कि भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर उन्हें लगा कि जब तक मैं गृहस्थ नहीं हूँ, जब तक मैं यहाँ राज्य में हूँ, तब तक मुझे भगवान प्राप्त नहीं होंगे। जब तक मैं गृहस्थ हूँ तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो फिर मुझे ये सब परिवार, ये सब संसार छोड़ना होगा, हमें वैराग्य लेना होगा, तब भगवान प्राप्त होंगे हमें। और यही सोच से, इसी सोच से उन्होंने राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वन में चले गए और वहां पे यज्ञ जोग जप सब करते। लेकिन एक बार क्या हुआ, अपना यज्ञ जोग जप सब कर रहे थे, लेकिन एक बार क्या हुआ कि दो राक्षस आ गए, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस आए, तो ये जब यज्ञ करते तो दोनों राक्षस उस यज्ञ में विघ्न डालते, पूरा नहीं होने देते। इससे विश्वामित्र जी परेशान हो गए। फिर उन्होंने सुना कि नारायण का अवतार हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि मैं अयोध्या जाऊंगा, अयोध्या जाके राम और लक्ष्मण को ले आऊंगा, मैं उनके साथ भी रह लूंगा, उनका दर्शन भी कर लूंगा, और साथ ही साथ वो मारीच और सुबाहु का वध भी कर देंगे। बड़े खुश हो गए और फिर अयोध्या के लिए निकल पड़े लेने के लिए। और रास्ते में क्या सोचते हैं कि मैं सोचता था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए गृहस्थी छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ जब तक हूँ तब तक भगवान मुझे नहीं मिलेंगे, ये मैं सोच के सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जिस गृहस्थी को मैंने छोड़ा उसी गृहस्थी में भगवान आ गए, हम संत बने उनको पाने के लिए, गृहस्थी छोड़ा हमने उनको पाने के लिए, लेकिन जिसको हमने छोड़ा उसी में राम जी आ गए, दशरथ जी के यहाँ आ गए। ऐसा मैंने क्यों सोचा, ये सब सोचते हुए धीरे धीरे वो अयोध्या की तरफ पहुंचने वाले हैं। सवेरे उठे हैं आज विश्वामित्र जी, बड़े सवेरे उठे हैं क्योंकि अयोध्या जाना है। सवेरे ही उठ के वो चल पड़ते हैं, वहां से पैदल पैदल चल पड़ते हैं। अच्छा, पहले होता था अगर कोई देर से उठता था, कोई देर से उठे तो सबको लगता था कि आज ये देर से क्यों उठे। अगर कोई देर से उठता था तो फिर पूरे गांव के लोग आ जाते थे सामने कि देर से क्यों उठे। लेकिन आज ऐसा है कि अगर कोई ज्यादा सवेरे उठ जाता फिर गांव भर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आज सवेरे क्यों उठ गए। विश्वामित्र जी उठे हैं, अयोध्या की तरफ निकल पड़े हैं, सोचते सोचते भगवान के बारे में। फिर वो अयोध्या पहुंचते हैं और अयोध्या आते हैं। दशरथ जी को ये खबर मिलती है कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो फिर
दशरथ जी बड़े खुश होते हैं। हवा की तरह ये बात फैल गई पूरे अयोध्या में कि विश्वामित्र जी आए हैं। फिर दशरथ जी सारा समाज लेके विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं और फिर उनको सम्मान सहित लेके आते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं। फिर कहते हैं कि महाराज आपकी क्या आज्ञा है, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज मैं यहाँ पे याचना करने आया हूँ, मांगने नहीं, मैं यहाँ पे याचना करने आया हूँ। याचना ये करने आया हूँ कि आप राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए। हम राम लक्ष्मण को लेके जाना चाहते हैं और लेके इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि दो राक्षस आ गए हैं और उनका वध करना है, तो फिर वो राम जी के हाथ ही हो सकता है। इसलिए मैं याचना करता हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं याचना कर रहा हूँ कि आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। तो दशरथ जी पूरी तरह से मना कर देते हैं। कहते हैं कि चौथी अवस्था में तो मैंने पुत्रों को पाया है, चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। मैंने चौथी अवस्था में इन संतानों को पाया है, आप विचार क्या नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं दे सकते। सीधे वो मना कर देते हैं। तो वशिष्ठ जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि महाराज आप मना नहीं करिए, ये मेरा आज्ञा है, मेरी आज्ञा मानिए, मेरा आदेश है कि आप राम और लक्ष्मण को इन्हें सौंप दीजिए। जब आज्ञा दे देते हैं वशिष्ठ जी, तो फिर दशरथ जी मान जाते हैं और पुत्रों को राम और लक्ष्मण जी को उनके साथ भेज देते हैं। वो जाते हैं, फिर विश्वामित्र जी यज्ञ शुरू करते हैं और राम लक्ष्मण उसकी रखवाली करते हैं। यज्ञ पूरा होता है, मारी सुबाहु जब पूरा होने वाला, अंतिम आहुति पड़ने वाली है, तब मारीच और सुबाहु आते हैं। और फिर राम जी ने देखा तो मारीच को उन्होंने बिना फल का बाढ़ मारा है, बिना फल का बाढ़ मारा तो सत जोजन पार जाके गिरा। और फिर आया सुबाहु तो सुबाहु को उन्होंने एक बाढ़ मारा और वो जल के खत्म हो गया, आसमान में ही जल के वो खत्म हो गया। मारीच को उन्होंने मारा नहीं, इसलिए नहीं मारा क्योंकि मारीच का भी काम था, वो रामायण में बहुत बड़ा पात्र है अभी मारीच, इसीलिए उन्होंने मारीच को मारा नहीं, सिर्फ सुबाहु को मारा। फिर इस तरह से यज्ञ पूरा होता है। यज्ञ पूरा हुआ, दो चार दिन वहां पे रुके राम और लक्ष्मण। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब इनको जनकपुर लेके चलते हैं। तो फिर राम और लक्ष्मण को जनकपुर की तरफ लेके जाते हैं। फिर आधे रास्ते जब पहुंचते हैं तो राम जी कहते हैं कि महाराज आप हमें लेके कहां जा रहे हो। तो विश्वामित्र जी हंसते हुए कहते हैं कि आपको हम जनकपुर लेके जा रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ा उत्सव है। जनकपुर उत्सव है भारी, उत्सव है भारी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जनकपुर में बहुत बड़ा उत्सव है, वहां पे हम लेके जा रहे हैं। और उत्सव कौन सा है कि वहां पे सीता जी का स्वयंवर है, सीता जी का विवाह है, वहां पे हम लेके जा रहे हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी बड़े खुश हो जाते हैं, फिर चलते हैं खुश होते हुए। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ता है और वो बड़ा अजीब सा आश्रम है। आश्रम एक दिख मग माहि
रामचंद्र भगवान की। रास्ते में एक आसन दिखाई पड़ता है, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बढ़ते हैं आगे और रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है और वो बड़ा अजीब सा आश्रम है क्योंकि वहां पे ना कोई पक्षी है ना कोई पशु है, कोई भी वहां पे नहीं है और जो लोग भी हैं वो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे समाधि में बैठे हुए हैं उस आश्रम में। अरे वृक्ष भी बड़े स्थिर थे, सब बड़े स्थिर थे। वहां पे राम जी ने नजर दौड़ाया तो देखा कि एक आश्रम है, उसका जो दरवाजा है उसके दरवाजे पे एक पत्थर देह नारी पड़ी हुई है। जब उस पत्थर देह को देखा तो विश्वामित्र जी से बोले, महाराज ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा कि ये अहिल्या है और श्राप के कारण इनका ऐसा हाल हो गया है। तो राम जी ने कहा कि फिर इनकी मुक्ति कैसे हो? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके चरण के रज से इनकी मुक्ति हो सकती है। राम जी ने कहा, महाराज ये संत की पत्नी है, हम इनके ऊपर चरण अपना कैसे रख सकते हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि कुछ भी हो, जब तक आपके चरण का रज इन पे नहीं पड़ेगा तब तक ये इनकी मुक्ति नहीं हो सकती, आपके चरण के रज से ही इनकी मुक्ति हो सकती है। तो कुछ संत कहते हैं कि राम जी ने उस पत्थर देह पे अपना चरण रखा, लेकिन कुछ संत का मत है कि उन्होंने अपना चरण उनके देह पे रखा नहीं, बल्कि उन्होंने अपना चरण थोड़ा सा ऊंचा किया राम जी ने, और फिर जब ऊंचा किया तो पवन का झोंका आया और उस झोंके से उनके पैर से कुछ धूल उड़ के जाके उस पत्थर पे पड़ गए, पत्थर देह पे। और जब पत्थर देह पे जाके धूल पड़े तो फिर उस पत्थर में चेतना आ गई, जो पत्थर देह था उसमें चेतना आ गई और वो अहिल्या थी। चेतना आई उनमें और सामने राम जी को देखी तो बड़ी खुश हो गई, आंख से आंसू निकल पड़े और कुछ कह नहीं पा रहे थे, बड़े देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पर सत